जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा तन और मन। जी हाँ, आप जो भी खाते हैं इसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ता है, इसलिए आपका ये जान लेना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको स्वस्थ रहने के लिए क्या खाना चाहिए या कैसा डाइट प्लान फॉलो करना चाहिए। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो किडनी की गंभीर बीमारी से ग्रसित होते हैं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होती कि एक किडनी पेशेंट को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। किडनी रोगी को इस बात की जानकारी नहीं होती कि उन्हें सुबह के नाश्ते में, दिन के खाने में और रात के खाने में क्या खाना चाहिए। आपको बता दें कि किडनी रोगी को आयुर्वेदिक उपचार के साथ एक बैलेंस डाइट प्लान को फॉलो करने की आवश्यकता होती है। किडनी रोगी को तीनों टाइम ही अलग तरह का डाइट प्लान फॉलो करने की सलाह दी जाती है और इसके साथ ही रात में किडनी रोगी को लाइट फूड लेने की सलाह दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि रात में किडनी रोगी को क्या खाना चाहिए। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट प्रेजेंटेड बाय कर्मा आयुर्वेदा। जहां हम आपको देते हैं किडनी से जुड़ी जरूरी जानकारियां, ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि रात में किडनी रोगी को क्या खाना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अपने विषय पर आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के एंड में कमेंट शाउट आउट जरूर एंजॉय करें। दर्शकों, हम जानते हैं कि स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता, इसलिए सभी अच्छे से अच्छा भोजन खाते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आप क्या खा रहे हैं या फिर कौन सा डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उसमें प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस और मिनरल्स का लेवल बैलेंस है या नहीं। क्योंकि शायद आप नहीं जानते, किडनी रोग जैसी गंभीर बीमारी में इन बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। जो डाइट प्लान किडनी रोगी फॉलो कर रहे हैं उसमें प्रोटीन, पोटेशियम, फास्फोरस और मिनरल्स की कितनी मात्रा है, इन सभी के ज्यादा सेवन करने से किडनी फेलियर संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए किडनी रोगी को ये जानना जरूरी हो जाता है कि रात में क्या खाना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि रात में किडनी रोगी को क्या खाना चाहिए। वैसे तो सभी को रात में हल्का भोजन ही लेना चाहिए, क्योंकि रात में ज्यादा खाना खाने से पाचन की समस्या हो सकती है, क्योंकि रात को खाना खाने के बाद अधिकतर लोग तुरंत सो जाते हैं। वैसे तो सभी को रात में खाना खाने के बाद कम से कम 100 कदम चलना जरूरी है, लेकिन अब रात के खाने के बाद चलता कौन है, सभी जल्दी से जल्दी खाकर अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं, इसलिए रात के भोजन को पचने में समय लगता है। अगर बात किडनी रोगी की जाए तो किडनी संबंधी बीमारी से ग्रसित रोगी को रात को कम ही खाना चाहिए और बिल्कुल हल्का भोजन ही करना चाहिए। चलिए जानते हैं रात में किडनी रोगी को क्या खाना चाहिए जिससे उन्हें पाचन संबंधी समस्या न हो। रात में लाल शिमला मिर्च खाएं किडनी रोगी। लाल शिमला मिर्च में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन B6, फॉलिक एसिड और फाइबर जैसे गुणकारी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो किडनी के लिए फायदेमंद होते हैं। इसलिए रात में किडनी रोगी लाल शिमला मिर्च खा सकते हैं और इसका सलाद के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। ध्यान रहे, किडनी रोगी डेली लाल शिमला मिर्च का सेवन नहीं कर सकते। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि लाल शिमला मिर्च में फॉलिक एसिड और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, इसलिए हफ्ते में एक दिन ही किडनी रोगी को शिमला मिर्च का सेवन करना चाहिए। रात के खाने में लौकी खाएं किडनी रोगी। किडनी रोगी के लिए लौकी की सब्जी खाना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि रात के भोजन में लौकी की सब्जी खाना किडनी रोगी का वजन नियंत्रित रखता है। इसके अलावा लौकी की सब्जी में कई ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने का काम करते हैं, इसलिए रात के खाने में लौकी खाने से किडनी रोगी डायबिटीज का शिकार होने से बच सकते हैं। वजन कम करने में मददगार। जी हाँ, कुछ ही लोगों को ये पता होगा कि लौकी खाने से वजन कम होता है। आपको शायद इस बात पर यकीन न हो, लेकिन किसी भी दूसरी चीज की तुलना में लौकी ज्यादा तेजी से वजन कम करती है। अधिकतर किडनी रोगी वजन से परेशान रहते हैं, आप चाहें तो लौकी की सब्जी नियमित रूप से खा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसे उबालकर सेंधा नमक डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रात के खाने में गेहूं के आटे की रोटी जरूर खाएं किडनी रोगी। किडनी रोगी रात के खाने में गेहूं के आटे की रोटी खा सकते हैं, क्योंकि गेहूं में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो आपकी कब्ज की समस्या से आपको बचाता है। किडनी रोगियों में ज्यादातर पाचन की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए किडनी रोगी को रात के भोजन में घिया, तोरी, परवल की सब्जी के साथ गेहूं के आटे की 2 रोटी ही खानी चाहिए। ज्यादा गेहूं की रोटी खाने से कब्ज भी बढ़ सकता है, क्योंकि गेहूं में फाइबर ज्यादा होता है और गेहूं के आटे की रोटी खाने से किडनी रोगी को पाचन की समस्या भी हो सकती है।
इसलिए किडनी रोगी को रात में कम खाना खाने की सलाह दी जाती है। रात के खाने में परवल खाएं किडनी रोगी। परवल वैसे तो एक आम सब्जी है, लेकिन इसे आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि परवल कब्ज, बुखार, त्वचा संक्रमण, घावों, कम भूख, किडनी की खराबी और पाचन तंत्र संबंधी बीमारियों के इलाज में प्रयोग किया जाता है। परवल के अंदर कई औषधीय गुण भी होते हैं, जिनकी मदद से यह आपको रोगों से दूर रखती है। परवल में विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन B2 और विटामिन सी जैसे विटामिन काफी अच्छी मात्रा में मिलते हैं। अगर किडनी रोगी डायबिटीज से बचना चाहते हैं तो उन्हें अपने आहार में परवल को जरूर शामिल करना चाहिए। परवल की सब्जी बनाते समय इसके बीजों को फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। आप अपने आहार में अच्छी मात्रा में परवल का सेवन ब्लड शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं। डायबिटीज बढ़ने से किडनी खराब होने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए रात के खाने में परवल की सब्जी खाना फायदेमंद होता है किडनी रोगी के लिए। जब किसी व्यक्ति का वजन बढ़ने लगता है तो वो कई समस्याओं से घिरने लगता है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि एक मोटा शरीर बीमारियों का घर होता है। अगर आप अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आपको अपने आहार में परवल को शामिल करना चाहिए। इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो इसका उपयोग कर आप अपने वजन को कम करने के लिए बिना किसी संदेह के खा सकते हैं। यह आपके पेट को पूर्ण महसूस करने में मदद करता है और खाने की आवश्यकता को भी नियंत्रित करता है। ऐसे में हमें चाहिए कि अपना वजन कम करें, क्योंकि वजन बढ़ने के कारण व्यक्ति मधुमेह और उच्च रक्तचाप की समस्या से घिर जाता है और उसकी किडनी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि रात में घिया, तोरी, परवल, लौकी, लाल शिमला मिर्च और गेहूं के आटे से बनी रोटी खाना किडनी रोगी के लिए कितना फायदेमंद है। आप किडनी को ठीक करने के लिए आयुर्वेदिक उपचार भी ले सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार से किडनी को कोई साइड इफेक्ट का खतरा नहीं होता। आयुर्वेदिक औषधियों के साथ बैलेंस डाइट में फलों को लेने से आसानी से खून को बढ़ाया जा सकता है, इसलिए आयुर्वेदिक उपचार लेने से किडनी फेलियर खून को बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी किडनी में कोई भी समस्या है तो इसको अनदेखा न करें, और अगर आप अपनी किडनी के लिए इलाज लेना चाहते हैं तो आयुर्वेदिक इलाज सबसे सुरक्षित है। आयुर्वेदिक इलाज में आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं होता। आयुर्वेदिक इलाज पूरी तरह प्राकृतिक है, जो अपना काम पूरा प्राकृतिक तरीके से करता है। अगर आप किडनी के लिए सबसे अच्छा आयुर्वेदिक उपचार चाहते हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप मैं आपसे विदा लेती हूँ और मैं फिर आऊंगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। હું સુરત ગુજરાતથી આવું છું. મારા મિસિસને કિડની તકલીફ, છેલ્લા 4 વર્ષ ત્યાં ડાયાલિસિસ કરાવતા હતા. હવે આ દવા તમારી જોયા પછી દવા ચાલુ કરી 2 મહિના થયા, તો અત્યારે થોડી રાહત થઈ ગઈ છે એમ. પહેલાં જે 2 વખત ડાયાલિસિસ થતો વીકમાં, હવે 6-7 દિવસ 1 વખત થાય તો કંઈ તકલીફ નથી થતી એમ. અને બીજી કોઈ તકલીફ છે નહીં, શ્વાસની કે સોજાની કે કોઈ તકલીફ નથી. બીપીની દવા ચાલુ હતી એ પણ બંધ થઈ ગઈ છે અમારે. દિવસમાં 3 વખત લેતા એ પણ બંધ થઈ ગઈ. ડાયાબિટીસ કે એવું કંઈ છે નહીં, એટલે દવાથી રાહત અમને ઘણી થઈ છે એમ.